नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा था कि ऑयल सेपरेटर से ऑयल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में काफी लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया था। मैं बहुत दिनों बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ये चीज अधिकतर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि ऑयल सेपरेटर से ऑयल कैसे निकालते हैं, फिर भी जो अभी इस लाइन में नए हैं उन्हीं लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, तो मैं आज इसी के बारे में बता रहा हूँ। और साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ऑयल सेपरेटर में कितना ऑयल है, कितना ऑयल होगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें ऑयल कितना है, उसके बाद हम ऑयल निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि ऑयल सेपरेटर से ऑयल निकालने के लिए या प्लांट चलता हो या बंद हो, किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर प्लांट चल रहा हो और ये काफी हीट हो यानी काफी गर्म हो, तो इसमें एक बात होता है कि जब भी हम तेल निकालते हैं तो उसमें झाग कम बनता है और जल्दी से झाग खत्म हो जाता है। तो इस तरह इसमें फायदा होता है कि ज्यादा झाग नहीं बनता अगर तेल गर्म हो तो। अगर प्रेशर ज्यादा हो तो झाग बनता है, उसके साथ में तेल गर्म हो तो झाग कम बनता है। लेकिन जब प्लांट बंद हो जाता है, बंद करने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, तब आप ऑयल को निकालेंगे तो ऑयल जब डब्बे में निकलेगा तो बहुत सारा झाग बनेगा और थोड़े से ऑयल का पूरा डब्बा भर जाएगा। तो इस तरह होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो अभी ये प्लांट बंद है तो मैं चेक करूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने चलाया था, तो इसे पता लग जाएगा कि ऑयल सेपरेटर में कितना ऑयल बचा हुआ है। इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना होगा, हमें ऑयल सेपरेटर को चेक करना है। इस तरह नीचे से शुरू करेंगे, इस तरह जाएंगे तो पता लगता है यहाँ तक। अगर प्लांट पहले से बंद हो और आपने चलाया है, उस वक्त अगर इसमें से ऑयल निकालेंगे तो उसे कैसे चेक करेंगे, उसको नीचे से शुरू करना है और चेक करना है कहाँ तक ये ठंडा है और कहाँ तक गर्म है। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नीचे ठंडा लग रहा है और ऊपर गर्म लग रहा है, क्योंकि प्लांट चलता है तो ऊपर का जो भाग है वो गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे का जो ऑयल है ये ठंडा रहता है। लेकिन दोस्तों आपने प्लांट बंद कर दिया है, घंटा दो घंटा प्लांट बंद किए हो गया, तो उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसको भी नीचे से चेक करेंगे। तो नीचे गर्म आपको दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा उसका, नीचे आपको ऑयल गर्म महसूस होगा लेकिन ऊपर ठंडा महसूस होगा। तो जहां तक ऑयल गर्म है वहां तक आपको गर्म दिखाई देगा, महसूस होगा, और उसके ऊपर ठंडा होगा। तो दो तरीकों से इसे चेक कर सकते हैं, चालू प्लांट में और बंद प्लांट में। तो ये दोस्तों हो गया कि इसमें ऑयल को कैसे चेक करें। अधिकतर लोगों को ये पता हो सकता है, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। अब इसमें से हम ऑयल निकालेंगे, इसमें देखें तो हम 50 से 60 लीटर तक इसमें ऑयल हो सकता है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। इसे निकालने के लिए यहाँ पर एक ड्रेन दिया होता है वाल्व, और साइड में भी होता है, तो अगर साइड से निकालते हैं तो ठीक है, अगर साइड में ऑयल सेपरेटर में वाल्व नहीं दिया गया है तो अब नीचे से है तो नीचे से निकाल सकते हैं। कभी कभी नीचे से जाम भी हो जाता है, नया अगर प्लांट हो तो उसमें जाम हो जाता है, तो उसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। तो ये पुराना प्लांट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए हम निकालते हैं। इसके लिए हमें डब्बा चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट कई दिनों से बंद है तो ये काफी ठंडा है, इसलिए इसमें ज्यादा झाग बनेगा इसके ऑयल निकालने में। चलिए हम, मैं यहाँ पर डब्बा रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है उस वाल्व से, तो यह इस डब्बे में हम निकालेंगे। मैं डब्बा एक रख देता हूँ। दोस्तों इस ऑयल को अगर आपका प्लांट बहुत पुराना है तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लीन ऑयल आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल काला जैसा आएगा, उसको अलग निकाल देंगे और उसके बाद बिल्कुल ही क्लीन ऑयल आएगा, तो उसे आप रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्रेसर के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कपड़े से छानकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका ऑयल यूज कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। मैं यहाँ से इस वाल्व को मैं खोलता हूँ, ठीक है।
देखते हैं ये पहली बार जो ऑयल आ रहा है ये काला आ रहा है, लेकिन बाद में सही हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि इसमें काफ़ी झाग बनेगा और बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है। इसमें ऑयल थोड़ा ही है लेकिन झाग काफ़ी है, क्योंकि ये ऑयल ठंडा है। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल बिल्कुल नहीं क्लीन है, तो ये पुराना प्लांट है इसलिए क्लीन है। ये थोड़ा सा ऑयल हम अलग कर लेंगे और दूसरा डब्बा लगा कर हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम। बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है, देख सकते हैं कितना झाग है। आप देख सकते हैं ये 20 लीटर का डब्बा है तो इसे भरा हुआ है ये, लेकिन इसका ऑयल इतना ही होगा, लगभग 5 लीटर के आसपास। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लकड़ी से इसको हिलाएंगे तो झाग जल्दी मिट जाएगा। मैं एक लकड़ी लेकर इसको हिला रहा हूँ इस तरह। इस तरह झाग जल्दी मिट जाएगा, लेकिन आँख में और नाक में गैस इसका लगेगा, क्योंकि इसमें गैस काफ़ी है। जो भी जितना भी बुलबुला बन रहा है इसमें छोटे छोटे, ये सभी गैस है, गैस का पॉकेट है एक तरह का, तो इसमें काफ़ी गैस मिला हुआ है। ये गैस के कारण ही इसमें झाग बनता है। अगर ये प्लांट चलता होता और ऑयल पूरा गर्म होता तो झाग नहीं बनना था, बहुत ही कम झाग बनता और तुरंत ख़त्म हो जाता। ये ठंडा है इसलिए इतना झाग बन रहा है। मैं इसको खींचकर दूसरा डब्बा लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ अब। तो इसमें लगभग ऑयल सेपरेटर में 50 से 60 लीटर तक ऑयल है, तो सभी को हमें निकालना होगा। तो चलिए मैं सभी को निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना ऑयल निकलता है। दोस्तों देखते हैं कि लगभग इसमें 60 लीटर निकल गया है, 60 लीटर ऑयल लगभग हो गया है। देखते हैं कि तीनों ड्रम में मिलाकर लगभग 55-60 के आसपास ऑयल इसमें निकला है, और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही क्लीन है। इसे यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, आप ऐसे भी कंप्रेसर में डाल सकते हैं, या इसे कपड़े से छानकर और इसे 5 से 7 दिन तक इसको इसी तरह रहने दें। उसके बाद इसमें का जो भी कचरा है धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और बिल्कुल ही फ्रेश और क्लीन ऑयल आपको मिलेगा, और उसको ऊपर से निकाल कर उसे कंप्रेसर में चार्ज कर सकते हैं। तो इसे रीयूज किया जा सकता है दोस्तों। वैसे भी हम इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ही क्लीन ऑयल है, लेकिन जो नया प्लांट होता है उसमें यहाँ पर कचरा ज्यादा होता है, इसलिए उसे यूज करना थोड़ा दिक्कत होता है। कई बार के सफाई के बाद ही उसे रीयूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ही दोबारा यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इसका चिकनाई भी बढ़िया है और क्लीन भी बढ़िया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से ऑयल सेपरेटर से ऑयल निकाल सकते हैं और इसमें कितना ऑयल है उसे भी चेक कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।